भारत की मिट्टी। भारत पहला है जलोढ़ मिट्टी, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, अर्थात लगभग लगभग 43% पर जलोढ़ मिट्टी का वर्चस्व है। तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में फैलाव है। इसकी मुख्य फसल जो है वह धान, गेहूं, गन्ना और दलहन है। अगला है काली मिट्टी। ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से निर्मित काली मिट्टी कहलाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है काली मिट्टी में। अगला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी रवेदार एवं कायांतरित सैलों के विघटन एवं वियोजन से निर्मित होती है और यह लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग देती है। अगला देखिए लेटराइट मिट्टी। चूना व सिलिका के निछालन से निर्मित होती है और लोह अयस्क व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। पर्वतीय मिट्टी देखिए वनीय मृदा भी कहते हैं इसको, पर्वत क्षेत्र की मिट्टी है। चाय, कॉफ़ी व मसाले की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसमें मोटे कण होते हैं। लवणीय मिट्टी देखिए खेती के लिए सीधे तौर पर अनुपयुक्त। चूना या जिप्सम से खेती संभव है। पीट मृदा देखिए अत्यधिक आर्द्र दशाओं में निर्मित होती है। यह पीट मृदा का लक्षण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 75% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, जिनमें मिट्टियों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।